वेलकम टू ओलीवोर्ड। 6 मंथ क्विक रिवीजन सीरीज जो आपके लिए चलाई गई है, अवार्ड का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। अगस्त टू दिसंबर के ये हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। अगस्त से दिसंबर के जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन, और कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी गिवन टाइम में इसको कंप्लीट कर पाएँ। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। हु वोन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड बाय UNEP? UNEP के द्वारा एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये दिया गया है रमेश पांडे जी को। ठीक है, तो रमेश पांडे को UNEP के द्वारा एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है। ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से रिप्लाई कर पाएँ। का टाइम खत्म हुआ। अबी अहमद हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज पीस प्राइज फॉर 2019 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स टू एंड हिज कंट्रीज लॉन्ग रनिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद इरिट्रिया। इरिट्रिया के साथ अपनी कंट्री का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको दूर करने के लिए जो इन्होंने एफर्ट्स किए, इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइजेज के लिए मैंने आपको ट्रिक के साथ एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो आप सर्च कीजिए। ट्रिक के साथ सारे नोबेल प्राइज आपको याद रह जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी हैं सारे आपको याद रह जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज मैथ में नहीं दिया जाता, मैथ का एबल प्राइज होता है। और ये जो अबी अहमद हैं वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इन्होंने इथोपिया के हैं ये, और इरिट्रिया के साथ जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको दूर करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे, इनके लिए इन्हें पीस प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए कि जल्दी से इसका रिप्लाई करने की कोशिश की जाए। आपका टाइम खत्म हुआ। द गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट फर्स्ट नेशनल CSR अवार्ड ऑन अक्टूबर 2019। व्हाट डज एस मींस इन CSR? CSR का मतलब क्या है एस के अंदर? तो ठीक है, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, उस चीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से अप्लाई करने की। स्टैचू ऑफ यूनिटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है UK बेस्ड स्ट्रक्चरल अवार्ड आई स्ट्रक्चर ई के अंदर। तो ये स्टैचू है कहाँ पे? पिछले वीडियो के हमने देखा था कि 182 मीटर वाला क्वेश्चन था कि ये कितने मीटर का है, अब है ये है कहाँ पर? कभी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी रिवर पे है, तो कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो 182 मीटर का है, गुजरात के अंदर है, राम सुथार के द्वारा, आर्किटेक्ट जो है राम सुथार उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और LNT के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हु वोन मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड? सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 60 अबव की बात की जा रही है मान लो। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन क्या कहते हैं कि भाई आपके टाइम में होता होगा लाइव, तो हमारे टाइम में तो सीधा प्रसारण होता था। ठीक है, सीधा प्रसारण होता था, प्रसारण मतलब के प्रसारण, पुराने लोग ऐसी बात करते हैं। ठीक है, तो के प्रसारण से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए कि हाथों हाथ रिप्लाई किया जाए। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। पंचायती राज मिनिस्टर विल कॉन्फर नेशनल पंचायत अवार्ड 2019 इन न्यू दिल्ली। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज के मिनिस्टर कौन हैं
नरेंद्र सिंह तोमर, और मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाए थे सारे लेटेस्ट मिनिस्टर्स जो थे, उनके कैबिनेट कौन से मिले हैं उन्हें, वो सब कुछ याद करवाया था ट्रिक के साथ, आप डिस्कस किया हुआ है देख सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मिनिस्टर हैं, मुरैना मध्य प्रदेश से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से रिप्लाई करने की। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। हु बैग द उद्योग रत्न अवार्ड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ठाकुर अनूप सिंह को ये अवार्ड दिया गया। किसको? ठाकुर अनूप सिंह को। द प्रमोटर ऑफ मार्ग ERP विच प्रोवाइड्स इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बैग्ड उद्योग रत्न अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। मार्ग ERP के प्रमोटर जो हैं ठाकुर अनूप सिंह, इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से रिप्लाई करने की। आपका टाइम खत्म हुआ। पूछा गया है कि कौन सी कंपनी का अवार्ड दिया गया है, महारत्न स्टेटस दे दिया गया है ऑन इट्स 30th रेजिंग डे सेलिब्रेशंस। तो कौन सी कंपनी को? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दे दिया गया है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई कीजिए। आपका टाइम खत्म हुआ। 28th व्यास सम्मान किन्हें दिया गया? लीलाधर जागोरी को दिया गया, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। मैंने ट्रिक के साथ आपको करवाया हुआ है ये, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, व्यास सम्मान इज अवार्डेड एनुअली बाय, किस चीज़ के लिए, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है हमेशा, जैसे गोल्डन ग्लोब कीपर अवार्ड दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है स्वच्छता सम्मान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आपका टाइम खत्म हुआ। विच प्रोजेक्ट नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी बैग्ड द नेशनल CSR अवार्ड। नेशनल CSR क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन से प्रोजेक्ट के लिए नालको को ये अवार्ड दिया गया? तो नालको की लाडली के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया, ये प्रोजेक्ट था नालको की लाडली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से रिप्लाई करने की। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट इंडियन टू गेट डेमिंग प्राइज फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डेमिंग प्राइज फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं लेने वाले, ठीक है। तो इनका नाम है वेणु श्रीनिवासन, और आपको पता होगा कि लाइट डिम होती है, कई बार लाइट ब्राइट होती है। तो लाइट जब डिम होती है तो आप क्या कहते हैं कि हमारे निवास स्थान पर लाइट डिम है, ठीक है, चलो आपके घर पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने की बात करेंगे, श्रीनिवासन निवास स्थान से निवासन, ठीक है, तो श्रीनिवासन वेणु श्रीनिवासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन है, ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा रिसेंटली, किस स्टेट को दिया गया है? तो आंसर आपका बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है इंडियन चैम्बर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा। वाटर कंजर्वेशन के लिए राजस्थान टॉप पे रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, तमिलनाडु को यह अवार्ड दिया गया है। और 100 लाख मीट्रिक जो इन्होंने ग्रेन प्रोडक्शन थी वो 6 टाइम की है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 6 टाइम 100 लाख मीट्रिक को क्रॉस कर गया है, सरपास कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए जल्दी से रिप्लाई करने की।
चलिए आपका टाइम खत्म हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग टीवी एंड ब्रॉडकास्टर कंटेंट ऐप कन्फर्ड द अवार्ड फॉर आईपीटीवी इनोवेशन एट वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड 2019. ये लंदन के अंदर हुए, तो जियो टीवी को, एक ऐप है जो जियो के द्वारा लॉन्च की हुई, उसको ये अवार्ड दिया गया है आईपीटीवी इनोवेशन के लिए. ठीक है, तो याद रखिएगा जियो ऐप को, यानी जियो टीवी ऐप को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की. चलिए आपका टाइम खत्म हुआ. टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया बैग डैश अवार्ड इन द मोस्ट इंप्रेसिव पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव कैटेगरी 2019. मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया हुआ है कि तंबाकू क्या है, टोबैको जो क्या है, तंबाकू को बोलते हैं, और तंबाकू का पत्ता होता है, पत्ता मतलब लीफ, लीफ से गोल्डन लीफ अवार्ड, गोल्डन लीफ अवार्ड दिया गया टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की. चलिए आपका टाइम खत्म हुआ. जब भी आपको दिखे सैंड आर्टिस्ट कोई अवार्ड दिया गया है इंडियन को, तो वो आप लगाइएगा हमेशा सुदर्शन पटनायक पे. ठीक है, क्योंकि इन्हें ही ये अवार्ड लगभग दिया जाता है 99%. आप अगर आप रिस्क लेते हैं तो इसको बोलते हैं तुक्का लगाना. तो ऐसे तुक्के आप लगा सकते हैं कि चलो भाई सैंड आर्टिस्ट का नाम पूछा गया हमें याद नहीं है तो सुदर्शन पटनायक लगा दें. ऐसे नहीं कि करेंसी पूछी जा रही है और आप यूरो पे लगा रहे हैं या पाउंड पे लगा रहे हैं बिना पता, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आपको ये चीज़ तो याद होनी चाहिए, लेकिन हाँ सैंड आर्टिस्ट पूछा जाए तो सुदर्शन पटनायक लगा सकते हैं, इतनी रिस्क तो आप ले सकते हैं. ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका इटली की करेंसी क्या है, यूरो है, और सैंड आर्टिस्ट कौन है, सुदर्शन पटनायक साहब, तो याद रखिएगा यूरो. सैंड आर्टिस्ट मतलब मिट्टी से ये कुछ भी बना देते हैं. चलिए आपका टाइम खत्म हुआ. हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड. पेटा के फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ये अवार्ड दिया जाता है, तो विराट कोहली जी को ये अवार्ड दिया गया है. एक एलिफेंट के लिए इन्होंने एक अच्छा काम किया जिसका नाम क्या था, मालती. मालती को रिलीज करवाने के लिए इन्होंने काफ़ी लेटर्स लिखे, और ये आपको पता होना चाहिए कि एक एलिफेंट था जो राइड्स के लिए यूज़ किया जाता था आमेर फोर्ट के अंदर. पेटा के फुल फॉर्म क्या है, पर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए. चलिए आपका टाइम खत्म हुआ. 8 यंग रेडियो जर्नलिस्ट फ्रॉम ओडिशा, इनका अवार्ड दिया गया, किनके द्वारा अवार्ड दिया गया ये पूछा जा रहा है, अंडर कौन सी कैटेगरी, एम्पावरिंग एडोलेसेंट एंड यूथ थ्रू कम्युनिटी रेडियो इन ओडिशा. तो यूनिसेफ ने ये अवार्ड दिया है 8 यंग जर्नलिस्ट को, जिन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट होके उनको एंगेज किया सोसाइटी के अंदर, यूथ को, और एम्पावर करने का काम किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वोन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट IFFI इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 जो हुआ, उसके अंदर गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया. ठीक है, तो मूवी कौन थी, पार्टिकल्स. पार्टिकल्स वॉज डायरेक्टेड बाय ब्लेज हैरिसन. प्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है ये भी पता होना चाहिए, और डायरेक्ट किसके द्वारा की गई है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ गोवा के अंदर, वहाँ पर यह अवार्ड गोल्डन ग्लोब, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया. हेलारो को भी अवार्ड मिला. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हेलारो को इस बनाई किसने है ये फिल्म. ठीक है, क्यों, क्योंकि हेलारो को आपने नेशनल जो फिल्म अवार्ड थे उनके अंदर भी देखा था. ठीक है, फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए.
चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बैग्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 फॉर प्रोटेक्टिंग द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो आंसर है डेवी कोपेनावा यानोमामी। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं, कमेंट कीजिएगा यानोमामी, मामी से आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा, और एक अच्छे वे में ट्रिक बनानी है आपको। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि सबसे बढ़िया ट्रिक किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आपका टाइम खत्म हुआ। डैश बैग 31st विलियम हिल स्पोर्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, तीसरी बार इन्हें मिला है ये अवार्ड, थर्ड टाइम इन्होंने जीता है। ओनली ऑथर बन गए हैं हिस्ट्री के अंदर जिन्हें तीन टाइम, तीसरी बार मिला हो। ठीक है, तो इनका नाम है डंकन हैमिल्टन। डंकन हैमिल्टन को 31st विलियम हिल स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। मैन बुकर प्राइज होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, विलियम हिल स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनका नाम इंपॉर्टेंट है, डंकन हैमिल्टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, और आप बताइएगा कि, चलिए इधर चला ही गया मेरा मार्कर, तो आंसर तो इसका है एसले बार्टे। और आप कमेंट करके ये बताइए कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया था एसले बार्टे का। ठीक है, बार्टी क्या है, बार्टी से पता चल रहा है पार्टी। ठीक है, पार्टी में आप क्या कहते हैं कि ट्रे ले आओ, इधर ट्रे ले आओ। ठीक है, कुछ भी खाने पीने की जो भी ट्रे है वो आप कहते हैं कि ट्रे इधर ले आओ, ट्रे ले आओ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करती हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है यूके बेस्ड स्ट्रक्चरल अवार्ड के लिए, ये स्टैचू कहाँ पे है ये आपको बताना है। बताइएगा इसकी हाइट कितनी है और ये कौन सी रिवर के ऊपर है। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, 182 मीटर का है। राम सुथार ने इसको डिज़ाइन किया है और आर्किटेक्ट किए हैं ये राम सुथार, और इसको बनाया गया है किसके द्वारा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, एलएनटी के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए कि ये गुजरात के अंदर है और कौन सी रिवर के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का ये रहा, शशि थरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है कौन सी बुक के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, और आपको इसको याद करने के में अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी कि शशि थरूर क्या है, उनकी इंग्लिश गजब की मानी जाती है और है भी। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि साइंस जो, सॉरी, शशि थरूर का जो एक्सेंट है, जो बोलने का तरीका है, वो ब्रिटिश लोगों से मिलता जुलता है, ब्रिटिश लोगों से मिलता जुलता है। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक इन्होंने लिखी है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 का दिया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, किसको मिला है, शशि थरूर को, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, तिरुवनंतपुरम से, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए प्रिंटेबल आपको, तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर ओलिवबोर्ड इज द न्यू ब्लैक। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो डिसलाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आई है, तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी लगी आपको। शेयर कीजिए सीरियस दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।